खबर अजमेर से है, जहां सेंट्रल जेल में सजा काट रहे एक कैदी की मौत हो गई। जेल प्रशासन से मिली जानकारी के मुताबिक कैदी राजेश सजा काट रहा था और कुछ समय से बीमार भी चल रहा था। बीमारी के चलते उसे जयपुर के लिए भर्ती करवाया गया, जहां से उसे इलाज के लिए अजमेर वापस भेज दिया गया। वहीं मंगलवार की देर रात राजेश ने आखिरकार दम तोड़ दिया, जिसकी सूचना सिविल लाइन थाने पर दी गई और साथ ही इस पूरे प्रकरण को दर्ज कर न्यायिक अधिकारी के आदेश के बाद जांच की जा रही है। वहीं राजेश की मृत्यु हो जाने पर उसके परिजनों को सूचना दी गई और साथ ही शव का पोस्टमार्टम करवाकर उन्हें सुपुर्द किया गया। एक बंदी था राजेश, पुत्र बाबूलाल कोहली, जलकारी नगर अपने अलवर गेट अजमेर का रहने वाला था, जो 2017 से न्यायालय से किसी एक मुकदमे में सजा होने पे केंद्रीय कारागार अजमेर में सजा भुगत रहा था, जो काफ़ी समय से बीमार चल रहा था, जिसकी बीमारी के दौरान कल 14/5/2019 को मृत्यु हो गई। जेल अधीक्षक की रिपोर्ट पे मर्ग दर्ज किया गया है, जिसकी जांच माननीय न्यायिक अधिकारी महोदय द्वारा की जा रही है।